फाइनली दोस्तों इन्फिनिक्स ने एक और स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले के नाम से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 के बजट सेगमेंट में बजट यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। फ्लिपकार्ट के ऊपर स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव सेल के लिए अवेलेबल होगा, जहां से आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। आज के डेट पे स्मार्टफोन की लॉन्चिंग हो चुकी है इंडिया के अंदर। काफ़ी पावर पैक्ड स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे तगड़े फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। प्राइसेस के बारे में बातें कर लें सबसे पहले, तो लगभग 8,499 रुपये के प्राइस सेगमेंट में फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। आप लोग इसे खरीद सकते हैं। और भी कई सारे ऑफर्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। साथ में कैसा स्मार्टफोन है देखने में, क्या बॉक्स कंटेंट आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के साथ, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझने का पूरा प्रयास करेंगे वीडियो में। बट वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को दोस्तों मिलती रहेगी। साथ में यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं, अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स के हॉट 12 प्ले के बारे में, क्या कुछ लेकर आया है इन्फिनिक्स का इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्मार्टफोन के बॉक्स कंटेंट, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बातें कर लेते हैं। तो बॉक्सेस के अंदर आपका एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी पेस्टेड होगी। साथ में एडाप्टर, जो कि आपका 10 वॉट वाला एडाप्टर देखने को मिलेगा, टाइप सी केबल देखने को मिलेगा, बैक कवर, सिम इजेक्टर पिन और साथ में क्विक यूजर गाइड्स जो कि आपके मैनुअल्स आते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। वेट के बारे में बातें कर ले तो लगभग 209 ग्राम के आसपास का स्मार्टफोन का वेट है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है स्मार्टफोन का वेट, लेकिन उसका रीज़न आपका स्मार्टफोन का बैटरी है, जो कि 6000 mAh की बैटरी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। उसके वजह से स्मार्टफोन का जो वेट है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो प्लास्टिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। डुअल कैमरे का सेटअप आपके बैक पैनल पे होगा विद सिंगल LED फ्लैश लाइट। सामने की तरफ आपका पंच होल वाला कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। टाइप सी की कनेक्टिविटी स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा फॉर चार्जिंग एंड USB कनेक्टिविटी। साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का एक ऑप्शन दिया गया स्मार्टफोन के अंदर, यानी कि डुअल सिम का, डुअल स्टैंड बाई में, साथ में आप लोग मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकोगे। और एक खास बात जो स्मार्टफोन के अंदर है ना दोस्तों, वो है स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। आपको इसके अंदर 8,500 के बजट सेगमेंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जा रहा है, जो कि रियर माउंटेड बढ़िया से वर्क करता हुआ आपको स्मार्टफोन के अंदर दिख जाएगा। मेरे हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन वाला सेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन का है। जैसे प्रीवियस के स्मार्टफोन इन्फिनिक्स के आते थे इस बजट सेगमेंट में, बिल्कुल वैसा ही स्मार्टफोन आपको देखने में लगेगा। कोई इशूज़ नहीं है बिल्ड और डिज़ाइन क्वालिटी के मामले में। वहीं अगर स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी और बैंड्स के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो 4G स्मार्टफोन है, LTE मोड के ऊपर इंडिया के अंदर वर्क करेगा और कनेक्टिविटी और बैंड्स के मामले में किसी तरह की कोई इश्यूज आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलेगी। वहीं अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो यूनिसॉक वाला T610 वाला प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर दोस्तों वर्क करेगा, डिसेंट सा परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। बहुत हाई एंड की उम्मीदें नहीं रखनी है हमें, क्योंकि 8,500 का बजट सेगमेंट है, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्मेंस स्मार्टफोन निकाल कर आपको प्रोसेसर के एंड से दे देगा। वहीं साथ में ऑक्टोकोर वाली CPU और माली G52 वाली GPU आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी डिसेंट सा आपका होगा। लेकिन हाई एंड के गेमिंग्स के लिए स्मार्टफोन नहीं बना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग गेमिंग पर्पज़ के लिए स्मार्टफोन को ना खरीदें। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका बजट सिर्फ 10,000 तक का है और आप खेलना भी चाहते हो स्मार्टफोन के साथ गेम, तो माली G52 के साथ बहुत ही खास कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाई एंड पे आप लोग बस गेमिंग नहीं खेल पाएंगे, बाकी ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। वहीं अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो डिस्प्ले की साइज काफी बड़ी स्मार्टफोन की दी गई है। 6.82 इंचेस का HD रेजोल्यूशन वाला, यानी कि 720p के रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल आपको देखने को मिलेगा। और इस डिस्प्ले की जो खास बात है ना दोस्तों, वो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी रेयर है 8,500 रुपए के बजट सेगमेंट के लिए 90Hz का रिफ्रेश रेट। साथ में 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड रेशियो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताई जाती है वो है लगभग 90.66%, का साथ में 480 निट्स की ब्राइटनेस वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 260 PPI की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से 8,500 रुपए की बजट सेगमेंट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा और किसी तरह की कोई इश्यूज डिस्प्ले के एंड से आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलेगी। वहीं अगर स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो रियर पैनल में डुअल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 13 MP का रियर कैमरा है, जो कि वाइड एंगल को सपोर्ट करेगा। और साथ में जो दूसरा वाला कैमरा है, यानी कि सेकेंडरी कैमरा, वो VGA कैमरा होगा, जैसे कि AI कैमरे का नाम ये स्मार्टफोन देता है। और
1080p के रिजोल्यूशन पे आप लोग 30 फ्रेम पर सेकंड पे इस कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो फ्रंट वाला सेल्फी शूटर है ना दोस्तों, वो आपको 8 मेगापिक्सल का पंच होल वाला कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसके साथ भी आप लोग 1080p के रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग 30 फ्रेम पर सेकंड पे कर पाओगे। मेरे हिसाब से जो कैमरे का परफॉर्मेंस है ना, वो डिसेंट आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर, और अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया सा परफॉर्मेंस दोस्तों निकाल कर स्मार्टफोन का कैमरा आपको दे देगा। वहीं अगर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों बातें कर ले, तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ में एक्सोएस वाली यूआई जो कि अपने इन्फिनिक्स की यूआई है, इसके ऊपर स्मार्टफोन का यूआई वर्क करेगा, और किसी तरह की कोई इश्यूज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड से भी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में दोस्तों बातें कर ले, तो 6000mAh की बैटरी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि काफी पावर पैक्ड बैटरी है, और लगभग 2 दिन तक का बैकअप आप लोग बहुत ही आराम से स्मार्टफोन के बैटरी के साथ लेकर जा सकेंगे। साथ में 10W वाला आपको चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग मानकर चलिए 1.5 से 2 घंटे में आपकी बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज कर देगा, और किसी तरह की कोई इश्यूज आपको बैटरी के एंड से देखने को भी नहीं मिलेगी। वहीं अगर स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में दोस्तों बातें कर ले, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर माउंटेड देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छे से वर्क कर देगा। साथ में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और कंपास सेंसर्स भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया से वर्क करती हुई आपको स्मार्टफोन के अंदर दिख जाएगी। अब फाइनली चलिए दोस्तों हम लोग स्मार्टफोन के वेरिएंट्स, प्राइसेस और स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए के ऊपर भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि स्मार्टफोन आपके लिए बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले वेरिएंट्स को समझ लेते हैं। सिंगल वेरिएंट्स में स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें कि 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज को मेन रखा गया है स्मार्टफोन के अंदर, और प्राइसेस जो रखी गई है वो 8,499 रुपये, यानी कि 8,500 रुपये प्राइसेस आपको देखने को स्मार्टफोन की मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। 30 मई ऑनवर्ड ये स्मार्टफोन सेलिंग के लिए अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पे, आप लोग जाके स्मार्टफोन को flipkart.com से खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन को ले या ना लें, तो मेरे हिसाब से काफ़ी पावर पैक्ड स्मार्टफोन है। 8,499 रुपये के बाद भी आप कई सारे ऑफर्स को भी देख सकते हैं। आज के डेट का कोई ऑफर नहीं है, लेकिन 30 तारीख को कोई ना कोई ऑफर होगा, या उसके 2-4 दिन बाद कोई ना कोई ऑफर्स आता रहता है किसी ना किसी बैंक को लेकर। तो आप लगभग 500 से 1,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 10% माने तो 800 रुपये तक का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा डील आपके लिए ज़रूर होगा। तो आप लोग अगर स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे थे, 8 से 9 हज़ार रुपये तक आपका बजट था, तो स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, आप लोग ले सकते हो, कोई इश्यूज़ आपको नहीं होने वाला है। साथ में अगर कोई क्वेश्चन हो मन में, तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं जब आपके मैसेजेस आते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।